11 Amazon tried and tested kitchen products. These are must have kitchen items. तो चलो आज शुरू करते हैं Amazon के इन किचन प्रोडक्ट्स के साथ। मेरा किचन का अगर आपने declutter वीडियो देखा है और अगर नहीं देखा तो आ जाएगा, उसमें मेरा फूड प्रोसेसर खराब हुआ था और अभी मैं नया फूड प्रोसेसर खरीदना नहीं चाहती, तो मैंने एक ये बुलेट मिक्सर लिया है Amazon से। इसको यूज़ करते हुए मुझे 1 से 2 महीने हो गए हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं और ये 2 जार्स 3 जार्स और 5 जार्स के ऑप्शंस के साथ आता है। मैंने 3 जार्स वाला ऑप्ट किया था। सो इसके साथ कुछ इस तरीके के कैप्स भी आते हैं जो कि आप इनके जार्स पे लगा के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और इसमें वेट ग्राइंडिंग और ड्राई ग्राइंडिंग के ऐसे 2 ब्लेड्स आते हैं। 700 वॉट्स का ये मिक्सर है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैंने इसको सबसे पहले ही टेस्ट किया और वो भी किसके साथ, दाल पीसने के साथ। जब आप मूंग की दाल इसमें किसी में भी मिक्सर में पीसते हो ना, उसमें अच्छी कैपेसिटी या फिर अच्छी उसको पावर चाहिए होती है उसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाने के लिए। एंड आई एम अमेज्ड कि इसने ये काम कर दिया और देखो ज़रा कैसा रिजल्ट आया। टू बी ऑनेस्ट, मेरा ये फर्स्ट टाइम है किसी भी बुलेट मिक्सर को यूज़ करने का। और इसमें पुश डाउन ऑप्शन भी है कि आपने अगर लॉक नहीं करना और सीधा नीचे पुश करोगे तो भी ये ऑन हो जाएगा। नॉब है ऑन एंड ऑफ का और साथ में एक पल्स ऑप्शन भी है जो कि आप पल्स जैसे ग्राइंडिंग करते हो वैसे कर सकते हो। इसको आपको कॉन्टिन्यूस 1 मिनट से ऊपर नहीं चला के रखना है, उससे इसकी मोटर पर प्रेशर आ सकता है। तो विद इन 30 सेकेंड्स या 45 सेकेंड्स के बाद आपको इसको एक ब्रेक देना पड़ेगा। बट जब मैंने इसमें दाल पीसी है तो इसमें मैंने हाफ कप हाफ जार भरा है और वो 1 मिनट से पहले ही पूरा पिस के रेडी हो गया, जैसे कि आप देख रहे हो। तो जितना भी इसमें ग्राइंडिंग का या फिर ब्लेंडिंग का काम होता है 1 मिनट से पहले में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि काफ़ी पावरफुल मोटर है इसमें। चाहे इसमें मसाले पीसने हैं जैसे कि आपका धनिया हो गया, ड्राई स्पाइसेस आपके जितने होते हैं, या फिर आपने कोई दाल पीसनी है, टमाटर की ग्रेवी बनानी है या फिर ड्राई फ्रूट्स की ग्रेवी बनानी है, सब कुछ इसमें ईजिली हो जाता है। एंड आई एम अमेज्ड क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था किसी भी इस तरीके की न्यूट्री बुलेट को यूज़ करते हुए देखना। तो अब जब मैं फूड प्रोसेसर चेंज करूँगी तब करूँगी, क्योंकि फूड प्रोसेसर की अभी एक साइड वर्क है जो कि फूड प्रोसेसर वाली साइड है, पर जो ग्राइंडिंग साइड है मिक्सी वाली वो खराब हो गई है, तो अभी आधा काम कर रहा है और आधा नहीं काम कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पर, जहाँ पे हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। चैनल को अपना प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो वीडियो की फ्लो में। मैंने इस न्यूट्री बुलेट को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा और बहुत छोटी स्पेस में इसके पूरे के पूरे अटैचमेंट्स आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं लगता। सारे प्रोडक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। और ये जो जितनी भी Amazon के अभी मस्ट हैव प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे घर के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपकी भी यही यूटिलिटी है तो आप भी ज़रूर इनको प्रेफर कर सकते हो खरीदना। डीक्लटरिंग की वीडियोस में मैंने आपको सबसे एक बड़ी चीज़ बोली थी, मेरे लिए आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो रहा है, उसी को डील करते हुए मैंने ये शू ऑर्गेनाइज़र लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नेट है, नेट भी वो वाली नेट नहीं है बट ये अच्छी वाली नेट है। तो ये बेसिकली है तो शू ऑर्गेनाइज़र और ये आप डोर पे हैंग कर सकते हो, बट आप देखो इसको मल्टीपल वेज में आप कितने तरीके से हैंग कर सकते हो। किड्स की स्टेशनरी है, बच्चों का और कोई सामान है जो कि आपका नया पड़ा है और आपने ऑर्गेनाइज करके रखना है, चाहे आपके बाथरूम में है, चाहे आपकी हेयर एक्सेसरीज हैं, चाहे आपके टूल्स हैं या चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं, ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। सिर्फ एक इसको शू ऑर्गेनाइज़र की तरह नहीं, इसको आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। शूज़ अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो साथ में आप इसमें सॉक्स वगैरह भी डाल के ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जो कि सुबह सुबह हैंडी होती हैं ग्रैब करने के लिए। बाथरूम का दरवाज़ा है या कोई भी डोर है उस स्पेस में आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसके साथ 3 हुक भी आते हैं जिनको आपको ड्रिल नहीं करना है, ओवर द डोर आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो और सब कुछ आपका हैंडी और सामने होगा। और इसकी पॉकेट्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, चाहे बच्चों के हों या बड़ों के शूज़ हों वो भी आ जाएंगे। 24 कंपार्टमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और जब यूज़ में नहीं है तो फोल्ड करके डेफिनेटली कहीं पे भी रख सकते हो। बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। किचन में अगर मैं आ जाऊँ तो किचन में ना मेरा ये वाला कैबिनेट काफ़ी डीप कैबिनेट है और सिंगल कैबिनेट है, बट इसमें से मुझे सामान निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि एक के ऊपर एक सामान पड़ा है। मैंने ये बहुत सस्ते से अमेज़ॉन पे से स्टेनलेस स्टील के हुक लिए हैं, डबल साइड टेप की हेल्प से मैं इनको चिपका दूंगी। मैं इनके साथ जो टेप आई है वो यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव चाहिए, इसीलिए जो दूसरी डबल साइड टेप है इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिलिकॉन की है, वॉशेबल है, आप इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो। मैंने इसको काफ़ी जगह घर पर यूज़ किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग
टेप है ये, तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अभी आपको वीडियो में और भी पता चलेगा मैंने इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया है। तो इन स्टेनलेस स्टील हुक्स पे मैंने ये वाली टेप लगा दी है और इसको मैंने कैबिनेट में लगा दिया है। अब मेरी जो ट्रे है एकदम हैंडी हो गई है, सर्विंग ट्रे। इसमें आप वुडन वाली जो गोल वाली ट्रेज होती हैं, जो जिनके बड़े बॉर्डर्स होते हैं, वो नहीं डाल पाओगे, बट जैसी ऐसी मेलामाइन की ट्रे हैं, जो पतली ट्रेज हैं, वो आप इसमें हैंग करके रख सकते हो अपने कैबिनेट में ही अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं ये परात और जो बड़ी वाली हमारी प्लेट्स होती हैं स्टील की, वो वाली मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो देखो, मैंने अपना स्पेस सेविंग आइडिया लगाया किचन में। परात तो इसमें मैं हैंग नहीं कर सकती हूँ, तो वो मैंने नीचे रख दिया और इस तरीके से जो बड़ी वाली थालियाँ होती हैं हमारी, उसको मैंने यहाँ पे साइड में खड़ा कर दिया है। और अब बहुत ईजी हो गया है इनको ग्रैप करना, और हर चीज़ अब मुझे हिलानी भी नहीं पड़ती अपने इस कैबिनेट में से चीज़ें निकालने के लिए। डोर को मैंने इस तरीके से कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे मैंने अगेन डबल साइड हुक लगाए हैं, और जो लिड्स हैं हमारी उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है इसकी हेल्प से। वीडियो के फ्लो में अगर चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो। ये एक मेरा इम्पल्स परचेज़ था जो कि मैंने परचेज़ किया था और अभी तक यूज़ नहीं किया था। फाइनली इसका टाइम आ गया यूज़ करने का, मुझे पता नहीं था कि ये फाइनली मुझे यूज़ में आएगा या नहीं, बस परचेज़ करके रख लिया था। तो मेरे ये वाले बोल्स हैं, 3 का सेट था। इसमें जो सबसे बड़ा वाला मेरा एयर टाइट बोल है ना, उसकी लिड में क्रैक आ गया है, जो उसके क्लिप्स होते हैं उसमें क्रैक आ गया। और अब देखो ये जो मेरा सिलिकॉन लिड है कितने अच्छे से काम कर रहा है। ये बिल्कुल एयर टाइट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिशवॉशर सेफ है। इसको तो मैं कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसका सस्ता ऑप्शन मैंने आपको प्रोडक्ट लिंक्स में दिया हुआ है, मेरे वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो जैसा आपका बजट हो आप वैसा प्रेफर कर सकते हो। ये देखो इसके जो क्लिप्स हैं मेरे वाले के लिड के, वो सारे ब्रेक हो रहे हैं, तो मुझे ऑप्शन चाहिए था, क्योंकि मुझे अपना जार ग्लास वाला ख़राब नहीं करना था कंटेनर, उसको एयर टाइट ही रखना था, उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है एक रीयूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है ये वाले हुक्स जो कि मैंने वॉल पे लगा दिए हैं टाइल्स पे, और ये है मेरा स्पून होल्डर, नया परचेज है ये मेरा, आई एम लविंग इट। सॉलिड वुड का ये बना हुआ है, 3 कंपार्टमेंट्स हैं स्पून फोक और नाइफ के। इसमें साइड में हैंडल्स भी हैं, तो अगर आपने डाइनिंग टेबल पे यूज़ करना है या किचन में रखने के लिए यूज़ करना है, बेस्ट ऑप्शन है। नीचे इसमें कुशन्स भी हैं और स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और इतना सस्ता सुंदर टिकाऊ सॉलिड वुड में मिल गया, मैं अमेज्ड हूँ। क्योंकि नॉर्मली इतने प्राइस में सॉलिड वुड के नहीं मिलते हैं, MDF के आपको मिल जाएंगे जो चिपिंग प्रॉब्लम उनमें आती है, बट ये सॉलिड वुड है, तो डेफिनेटली आप इसमें देख सकते हो। और मैंने इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया ना, अब देखो, तो जो वो जो हुक्स थे वो मैंने अपने टाइल के वॉल पे लगा दिए हैं, वहाँ पे मैं अपना चॉपिंग बोर्ड और साथ ही मैं अपना जो चकला है मार्बल वाला, वो मैं वॉल माउंट करने जा रही हूँ। कैसे, वो आप पूरा ऑर्गेनाइजेशन देखो। और अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। सारे प्रोडक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये सारे मैं अपने घर में यूज़ कर रही हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। अभी तक मैंने अपने किचन में, स्मॉल किचन है मेरी, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और स्पेस सेविंग आइडियाज़ मैं कैसे लगा रही हूँ अपनी किचन में, काफ़ी चेंजेस कर रही हूँ मैं डीक्लटरिंग के साथ साथ, तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी भी अगर सेम यूटिलिटी है, सेम अगर आपकी किचन है या आपका स्पेस इस तरीके का है, तब आप इनको प्रेफर कर सकते हो। ये वाटर जग यूज़ करते हो, मुझे 2 साल हो गए हैं, कांच के हैं, ग्लास के हैं, इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। डिशवॉशर सेफ हैं, और ये देखो जो हमारा स्पून होल्डर था, अब मैं उसको उस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। मैंने इवन अपनी कटलरी भी चेंज करी है, जो मेरे पास अंदर कटलरी थी अब वो मैंने नई बाहर निकाली है, और जो ऑलरेडी थी उसको मैंने डोनेट कर दिया है या फिर सेल ऑफ कर दिया है। खैर, वो सब तो आपको मेरी डीक्लटरिंग की वीडियोस में पता चल ही जाएगा। तो ये छोटा सा कॉर्नर स्पेस देखो, कितना सारा सामान इसने ऑर्गेनाइज कर दिया है। नेक्स्ट, मेरी स्मॉल एंड टाइनी कॉम्पैक्ट किचन के लिए मैंने लिया है ये डस्टबिन, ये ड्यूल डस्टबिन है, और इतने प्राइस में मिलना ना ड्यूल डस्टबिन काफ़ी मुश्किल है। ये 15 लीटर से ज़्यादा का डस्टबिन है, तो फैमिली ऑफ 4 to 5 के लिए इनफ है। एक ही डस्टबिन में 2 कंपार्टमेंट्स हैं आपके ड्राई और वेट वेस्ट के। नेचुरली आप इसमें ट्रैश बैग तो लगाओगे ही, और ये इंडिविजुअल आप निकाल भी सकते हो। इनके साथ हैंडल है और ये बिल्कुल बंद है, कॉम्पैक्ट है, पेडल डस्टबिन है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। आपको पूरा डस्टबिन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जोन सा वेस्ट आपने जब जहाँ लेके जाना है, ट्रैश करना है, आप वो वाला बिन आप उठा के बाहर रख सकते हो, जब आपका हाउस कीपिंग या फिर जो कूड़ा उठाने वाला होता है वो आता है जब पिक करने। वॉश करना ईजी है, कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल स्लीक सा है, कहीं पर भी पतले से स्पेस में ये रखा जाएगा। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अलग अलग डस्टबिन रखने से स्पेस बहुत ज़्यादा
ज़्यादा कंज्यूम होता है और उनको अलग अलग साफ भी करना पड़ता है। ये स्लीक एंड कॉम्पैक्ट है, तो देखो इतनी पतली सी स्पेस में भी ये आ गया और अलग अलग डस्टबिन्स हमें रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक्चुअली दो डस्टबिन्स का काम ये एक ही डस्टबिन कर रहा है और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। अगेन फैमिली ऑफ 4 to 6 के लिए अप्रोप्रिएट है। अगर आप भी कोई वायरलेस साउंड बार देख रहे हो अपनी टीवी के लिए या फिर आपको स्पीकर चाहिए कोई वायरलेस, तो डेफिनेटली ये साउंड बार लो। इतना सस्ता साउंड बार ये मुझे मिल गया। ये रिचार्जेबल है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसकी साउंड आप चेक कर ही रहे हो, इसको कहीं पे भी आप रख सकते हो, वायर्स का झंझट तक है नहीं। अच्छे से गाने सुनो और अपना घर का काम करो। इसकी साउंड सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला था ये। नेक्स्ट मैंने अपने बेड के लिए लिया है ये 100% कॉटन 144 TC की बेडशीट है। पूरी 100% कॉटन है, इसमें पिकॉक फेदर का प्रिंट है और इस तरीके के इसके पिलो कवर्स हैं, वो भी 100% कॉटन है और ये सुपर किंग साइज़ है। अभी मैं इसका साइज़ वगैरह आपको ये सारा दिखा रही हूँ। अगर बेड पे इसको डाल भी दोगे तो साइड से ये इतनी बड़ी बेडशीट है। साइज़ इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका जो प्रिंट है और साथ में जो इसका टेक्सचर है 100% कॉटन है, तो अभी गर्मियों के लिए परफेक्ट है। इसका पिलो साइज़ अगर मैं बोलूँ तो एप्रोप्रिएट है, बहुत छोटा नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। जितने नॉर्मली हमारे पिलोज होते हैं उतना साइज़ एप्रोप्रिएट है। और इसका कलर कॉम्बो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करके बताना। वॉश होने के बाद भी इसमें कलर वगैरह की कोई ऐसा इशू नहीं आया कि कलर फेड हुआ या कुछ हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बेडशीट है, डेफिनेटली गो फॉर इट। और बहुत सस्ती भी है। एक्चुअली जो चीज़ें मेरी महंगी है ना, उनका सस्ता ऑप्शंस भी मैंने आपको प्रोडक्ट लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ एक बार चीज़ खरीदना और वो सालों साल चलना, तो मैं महंगी चीज़ भी खरीद लेती हूँ। नेक्स्ट है ये स्प्रे मॉप। तो जिनके हाथों में दर्द रहता है या जो ज़्यादा हैवी मॉप्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये स्प्रे मॉप अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, स्प्रे ऑप्शन है इसमें साथ में, और इसमें हैंडल भी काफ़ी अच्छा है। चाहे आपको वॉल्स साफ़ करनी है, अलमीरा साफ़ करनी है, स्टूल पे नहीं चढ़ सकते हो, हाथों में बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, ओल्ड एज में हो, या फिर आपको कोल्ड शोल्डर हो जाता है, तो इस तरीके से आप ये वाला मॉप यूज़ कर सकते हो। वेलक्रो से ये लगा हुआ है, मशीन वॉशेबल है एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, हद से ज़्यादा लाइट वेट है। 360 डिग्री टर्न हो जाता है इसका फ्लैप जो है। आप इसमें मॉप साथ में स्प्रे कर सकते हो। आपको इसको बकेट में डालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप जहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ इसको ऐसे लिवर पुल करके स्प्रे कर लो और वो एरिया आपका वेट हो जाएगा और वहाँ पे आप मॉप इस तरीके से कर सकते हो। साथ में स्कर्टिंग, फ्लोर, सब कुछ, मतलब मल्टीपर्पज़ है, आप इसको कहीं पर भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इस बॉटल में आप पानी भर के मॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। आई होप आज के ये अमेज़ॉन बेस्ट बाय प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। अमेज़ॉन की सेल भी आने वाली है आई गेस अभी जुलाई में, तो डेफ़िनेटली उस प्राइम डे सेल का फ़ायदा ज़रूर उठाना, क्योंकि उसमें जो प्राइजेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा कट होके आपको मिलते हैं। तो आज के मस्ट हैव किचन एंड होम आइटम्स आपको पसंद आ रहे होंगे, सबका ट्राइड एंड टेस्टेड अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स का रिव्यू आपको मैं दे रही हूँ। लॉन्ग टर्म रिव्यू है एक्चुअली ये, एक एक साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। इस वैक्यूम क्लीनर को तो मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको सजेस्ट किया ही है, कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। 1 से 1.5 साल हो गया मुझे इसको यूज़ करते हुए। द बेस्ट पार्ट इज़ इसके जितने भी अटैचमेंट्स हैं ना, सारे इसी के साथ रहते हैं, इधर उधर होते नहीं हैं। मोटराइज्ड इसका नीचे हेड है, मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। 5 घंटे ये लेता है चार्ज होने में और बैग में बहुत सारा इसका ट्रैश इकट्ठा हो जाता है एक बारी में, आप हफ्ते में एक बारी एम्प्टी कर सकते हो। तो जो इसके अटैचमेंट हैं सारे इसी की रॉड के साथ इस तरीके से लग जाते हैं ना, तो ये काफ़ी वर्सेटाइल है। कार, घर, ऑफिस, रूम, दीवारें, जालियाँ, आई मीन यू नेम इट, और आप इसको सब जगह यूज़ कर सकते हो इस अटैचमेंट के साथ। तो डेफ़िनेटली गो फॉर इट। आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में इसको यूज़ करते हुए देखा भी होगा। वॉल माउंट कर सकते हो बट आपको ड्रिल करना पड़ेगा उसके लिए, सो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप कर सकते हो। मैं तो डेली बेसिस पर इसको यूज़ करती हूँ। आई होप आज के ये 11 अमेज़ॉन ट्राइड एंड टेस्टेड किचन प्रोडक्ट्स, मस्ट हैव किचन आइटम्स आपको पसंद आए होंगे। इफ़ सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताओ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।